इस समय आपके जीवन काल में अचानक होगा बड़ा परिवर्तन और दोस्तों भगवान गणेश जी आपके घर पधारेंगे और आपके सारे बिगड़े काम को बनाएंगे। आपके घर में छप्पर फाड़ बरसेगा, पैसा घर की बिगड़ी हालत भी झट से सुधर जाएगी, माँ लक्ष्मी का होगा आगमन। जी हाँ दोस्तों, एक व्यक्ति के रूप में भगवान गणेश जी आपके घर पधारने वाले हैं और अब वह आपको धनवान बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, मुबारक हो, आपकी तो तकदीर ही चमक गई, क्योंकि कल आपको 3 महासंकेत मिलेंगे, इसलिए मिठाई बांटने के लिए हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश जी के यह 3 संकेत आपको धनवान बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये 3 संकेत आपको बड़ा आदमी बनाएगा। दोस्तों कल के दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है, और साथ में दोस्तों आपको हम बता दें कि आज क्या ज्योतिष कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि आखिर आपका भाग्य अचानक कैसे चमकेगा, आपका तकदीर कैसे बदलेगा और भगवान गणेश जी आपको कौन से 3 बड़े संकट देंगे, इन्हीं पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बहुत ज़्यादा खास क्यों है कि बहुत ज़्यादा लाभदायक 3 संकेत आपको मिलेंगे, और उतना ही ज़्यादा आज का जब वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी तरह से जान लो कि आखिर वह 3 संकेत आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर प्रकार की विशेष जानकारी आपको समय समय पर मिल सके, और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री गणेश, जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके भाग्य उदय के बारे में। दोस्तों आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों हम मानते हैं कि साल 2023 में आपको बहुत ज्यादा उठापटक से जिंदगी जीना पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खराब परिस्थितियों से ही आप इसको पर किया है, बल्कि आपको मिश्रित फल मिला है, जिनमें से कष्ट दुख आपको ज्यादा मिला है और सुख शांति कम मिला है। दोस्तों अब आप चिंता ना करें, आने वाला नए साल यानी कि साल 2024 आपके लिए अब तक की सबसे बढ़िया साल रहेगा। दोस्तों जानकारी के लिए आपको बता दें, किसान 2024 में आपकी हर एक सपना पूरा होगा, आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी, दुखों का नाश होगा और दुश्मनों में भी आपका ही विजय होगा। कुल मिलाकर के हैं तो दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वह सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची भक्ति भाव से जय माँ दुर्गे जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे तथा माता दुर्गा जी का कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे दोस्तों समय समय पर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर किए ही जान लेते हैं कि आखिर आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों दोस्तों, कुछ खास लोगों से मिलने का मौका मिले तो आलस करने की बजाय तुरंत हासिल करें, ये संपर्क आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होने वाले हैं। घर के रखरखाव तथा सब सुविधा संबंधी चीजों की खरीदारी में बेहतरीन दिन व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिलेगी तथा दोष अपने स्वभाव में हम की भावना न आने दे, इसकी वजह से कुछ बनते हुए कार्यों में विघ्न भी पड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें, खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान भी जरूर रखना है। युवाओं को अपना लक्ष्य हासिल करने में और अधिक मेहनत करनी होगी तथा पैसों से जुड़ी बातों पर अधिक ध्यान देने से व्यक्तिगत रिश्तों में थोड़ा तनाव होने की संभावना है। आज दिन की शुरुआत में निराश हो सकती है, हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश या जिद ना करें। आपका स्वभाव में आ रहे बदलावों के कारण दूसरों को प्रेरणा मिलेगी, और हाँ कानूनी मामलों में सावधानी रहने की जरूरत है। आज आप विपरीत स्थितियों को दूर कर पाएंगे, रियल एस्टेट डील आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। धार्मिक कार्यों पर खर्च संभव है तथा इस समय ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, रुके हुए कार्यों में गति आएगी, लाभ के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ
धार्मिक आयोजन में जाने का निमंत्रण प्राप्त होगा। घर के वरिष्ठ लोगों द्वारा आपको कोई उपहार मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों, इस बेहतरीन समय का सदुपयोग करें। आलस और सस्ती हावी न होने दे, अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए भरपूर मेहनत करें। कभी कभी अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बनेगा। बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना उनके लिए सहायक रहेगा, तथा लापरवाही और लेटल टीसी के कारण कोई जरूरी और महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों से दूरी बनाकर रखें। ज्यादातर काम ऑफिस में रहकर ही पूरे करें तो उचित रहेगा। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगे तथा जीवन साथी का आत्मविश्वास और सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा, तथा आपसी संबंधों में और भी अधिक नजदीकियां आएंगे। मनोरंजन प्रोग्राम भी बनेगा, और हाँ, लोग आप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी बात पर टिके रहना होगा। बदलती स्थिति आपको बेचैन कर सकती है। जिस काम में आप अभी तक असफल हुए हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए समय सकारात्मक है। इच्छाओं में बदलाव होगा, तथा अपने विचारों में सकारात्मक बनाए रखने से अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आज किसी दीर्घकालिक लाभ की योजना पर भी पारिवारिक विचार विमर्श हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से मानसिक शांति रहेगी। और हाँ, आलस और सस्ती की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास न करें, क्योंकि कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिलने से भी आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने ना दें। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, तथा अनुकूल समय है। आप अपनी योग्यता और मेहनत द्वारा कारोबार में किसी खास काम को आसानी से अंजाम दे पाएंगे। किसी पार्टी के साथ नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। ऑफिशियल कामों में आपकी मदद की तारीफ होगी। साथ में दोस्तों, आपको हम बता दें कि कोई व्यक्तिगत कार्य आज संपन्न हो जाने से आप उन गतिविधियों में भी ध्यान दे पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा व देखभाल का पूरा ध्यान रखें। उनका आशीर्वाद वासने आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा, तथा दोस्तों, अनावश्यक खर्चों के वजह से बजट बिगड़ेगा। विद्यार्थियों को अपना मन मुताबिक किसी प्रोजेक्ट में सफलता न मिलने से उदासी रहेगी, परंतु अपना मनोबल बनाए रखें और प्रयासरत रहे आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपका मनोबल बढ़ेगा, तथा दोस्तों, व्यवसाय गतिविधियां सामान्य ही रहेगी। नया काम शुरू करने का उचित समय नहीं है, इसलिए जैसा चल रहा है अभी इस पर ध्यान दें तो उचित रहेगा। परंतु आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, इसलिए फिक्र ना करें। ऑफिस में किसी सहयोगी की वजह से दिक्कत आ सकती है। लव पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। प्रेम संबंध मर्यादित रहेंगे और मुलाकात का भी मौका मिलेगा, तथा मित्रों, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिन लोगों ने अतीत में अपना धन निवेश किया था, आज उसे धन से लाभ होने की संभावना बन रही है। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि इसके चलते बढ़ाते बुजुर्ग आहत महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खेलेगा। नौकरी बदलने मतदार साबित होगा। आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर किसी नए क्षेत्र जैसे कि मार्केटिंग वर्क हेरा में जा सकते हैं, जो आपके लिए बढ़िया रहेगा। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। और हाँ, आपका ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने कुछ सेल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाए। आप अपने बच्चों से कुछ सब कुछ सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में स्नेह उत्साह के बल पर औरों में बदलाव ला सकती है। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बच्चे, आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई सुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। आज धार्मिक कामों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं।
इस दौरान बेवजह की बसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपकी भाग दौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है, तथा दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद आप जीवन के इस मुकाम पर आए हैं। अभी छोटी छोटी दिक्कतों से हार कर प्रयत्न रोकने की गलती ना करें। अभी आपको लोगों का विरोध मिलेगा, लेकिन आपका समय बदलेगा। आप सही लोगों के साथ जुड़कर लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तथा जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि कुछ समय से आप अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने से राहत मिलेगी, तथा व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपना नुकसान ही करेंगे। वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अवहेलना न करें। कोई पत्रक मसाला भी उठ सकता है। गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, और हाँ, गतिविधियां बेहतर होगी, ज्यादातर कम समय पर पूरे हो जाएंगे। मेहनत के मुताबिक फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ सकता है। अधिकारियों का भी दबाव रहेगा, तथा घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय, और साथ ही में दोस्तों दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से दूर रहे। मेडिटेशन अवश्य करें, तथा आज सारे काम तेजी से कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग भी गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। आपकी उदारता कमजोरी होसर नहीं है। अब तक इस बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ ना करें, और हाँ, मित्रों, आज दिन भर प्रफुल्लित और ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है, तथा किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहे कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अपवाह फैला सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें, तथा अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। और इसी के साथ दोस्तों, इन बातों का भी जरूर अपने ध्यान में रखें कि अपनी योजनाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी, और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देगी, तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मानहानि की स्थिति बन सकती है या आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें। पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ओन एंड ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कल ग्लैमर ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरे रह सकते हैं, तथा पति पत्नी में चल रहे मतभेद दूर होंगे। सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले तो बेहतर रहेगा, तथा दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू अथवा करियर से संबंधित प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें। लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में सुधार होगा, तथा रुका पैसा वापस मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को स्थगित ही रखें। कोई मशीनरी या कोई उपकरण खरीदने की योजना है तो अनुकूल समय है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा, तथा पुराने अनुभव और असफलता के बारे में विचार न करें। नई बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष कमजोर होने से दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वर्तमान पर ध्यान देना होगा। विचारों से अधिक काम करने पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें कि आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है।
कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियां का निर्माण करेगी। आप में कुछ और बेहतर सीखने करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी तथा किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मनहत होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पेज संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। दोस्तों की योजनाओं को गुप्त रखें।